योगी सरकार की 6 वर्ष पूरा होने को है। आपकी सबसे लंबी पारी योगी आदित्यनाथ के नाम है। सरकार की 6 वर्षों में उपलब्धियों का उनकी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने जमकर बखान किया। सरकार की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने बताया कि सुरक्षा के साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य पर योगी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। महिला सुरक्षा के लिए 1 स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। शिकायतों का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। बाल सेवा योजना के तहत बच्चों का पालन पोषण का भत्ता सरकार दे रही है। बच्चों को पढ़ाई के लिए लैपटॉप व टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि वो माँ दुर्गा की भक्त है। नवरात्र में दुर्गा शक्ति मिशन की शुरुआत पर उन्होंने सीएम योगी की प्रशंसा की। अधिकारियों को पूजा पाठ करने के लिए डीएम को नेतृत्व की सलाह दी है, जिसके चलते विपक्षों में बौखलाहट है। बता दें कि आज प्रतापगढ़ के दौरे पर श्रीमती प्रतिभा शुक्ला पहुंची। इस दौरान उन्होंने विभागीय अफसरों के साथ जिला पंचायत गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की, जहां से वो मानधानता स्थिति पुष्टाहार निर्माण के लिए लगाई जा रही इकाई का निरीक्षण करने के लिए निकल गई। देखिए, सरकार के जो 6 साल पूरे हो रहे हैं, उसमें हम समझते हैं हर क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो चाहे युवाओं का क्षेत्र हो। महिलाओं के क्षेत्र की बात हम पहले कर लेते हैं, क्योंकि हमारा विभाग भी वही है। हमारे यहाँ महिलाओं के लिए समूह के माध्यम से रोजगार की प्रमुखता दी गई है। शक्ति मिशन का कार्यक्रम हमारे मुख्यमंत्री जी का ही था, जिसमें नारी सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वास्थ्य तीनों पर ध्यान देने की बात कही गई थी, और तीनों पर पुरजोर से काम हुआ है। चाहे आप स्वास्थ्य की बात कर लें, तो उनकी दवा के इंतजाम, बच्चों के टीकाकरण का इंतजाम पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सुरक्षा देने के लिए महिला थाने की व्यवस्था भी की गई है। हर जगह महिला थाने हैं। किसी भी हमारी बहन की रिपोर्ट महिला थाने में लिखी जा सकती, किसी भी थाने में लिखी जा सकती है। अब उसको भटकने की आवश्यकता नहीं है, और 1 स्टॉप सेंटर के माध्यम से 4 दिन में उसका निराकरण भी किया जा रहा है। सुमंग, क्योंकि पढ़ाई की व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। बाल सेवा योजना भी हमारी उन बच्चों के लिए है जिनका माता पिता में एक की डेथ हो जाती है, एक व्यक्ति बचता है, तो 2500 रुपया सामान्य के लिए है, और 5000 जो कोविड काल में दोनों लोग खत्म हो गए उनके लिए। लैपटॉप का वितरण आज ही बचा। सरकार ने बहुत अच्छी बात है, हम तो ये कहेंगे, हम तो दुर्गा जी के भक्त हैं। आपने तो, हमारा जो सनातन धर्म है चिरकालीन है, और उस धर्म में सबको लेके बात चलने की बात है। दुर्गा जी शक्ति की प्रतीक है, तो हम समझते हैं इससे अच्छी क्या बात है कि हमारे योगी जी ने पहले भी शक्ति मिशन चलाया था, नवरात्र से ही प्रारंभ किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर के तो इस तरह की जी नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं उठता है। और हम समझते हैं दुर्गा माँ का ये जो ये शुभारम्भ काम किया है, ये पहले भी किया गया था। शक्ति मिशन नवरात्र से ही प्रारंभ हुआ था, और शक्ति मिशन में हम लोगों ने काफ़ी काम किया था, और उसी को आगे लेकर आए। शक्ति मिशन 2 चल रहा है, और इस दुर्गा बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत सराहनीय कार्य। नहीं, ये चुनाव के लेके नहीं किया है, हमारा सनातन धर्म बना रहे, माँ दुर्गा की कृपा सब पे बनी रहे। हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन जब जिलाधिकारी भी करेंगे एक माहौल क्रिएट होगा, और हम समझते हैं कि महिलाओं को के सशक्तिकरण में इसमें बहुत मदद भी मिलेगी। माँ दुर्गा शक्ति के प्रतीक हैं, और जो रामायण का पाठ के लिए कहा गया है वो भी बहुत अच्छी बात है। राम जो हमारे आराध्य हैं, रोम रोम में व्याप्त हैं, उनके लिए कोई वो ईश्वर हैं, हर व्यक्ति की आत्मा तत्व में विराजमान वो राम शब्द है, तो वो हमारे में जब समाहित है, तो उसके लिए रामनवमी के दिन से अच्छा क्या हो सकता है। रामायण का पाठ तो करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को रामायण का ज्ञान नहीं है, रामायण का ज्ञान हो जाएगा तो वो सब टीका टिप्पणी भी नहीं करेंगे। जब पढ़ा नहीं तो जाना नहीं, पढ़ेंगे तो जानेंगे। माँ दुर्गा को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि शक्ति किस तरह है, क्या आराधना है, माँ गायत्री की क्या आराधना है, क्या शक्ति है, अंतरात्मा में तिरोहित रहती है। उस शक्ति से हम सभी लोग अभूत होंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अभी सभी धर्म वालों को भी पता चलेगा कि माँ दुर्गा की कितनी ताकत है, भगवान राम की कितनी शक्ति है। हम समझते इससे अच्छा कोई कारण नहीं।